लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले एक बार फिर ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच शिकवा शिकायत शुरू हो गई है। विपक्ष के 22 दलों के नेताओं ने मंगलवार को चुनाव आयोग पहुंचकर मतगणना से पहले वीवीपैट की पर्चियों के लिए मिलान की मांग की है। उन्होंने यह भी साफ किया है कि अगर गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित पूरी विधानसभा के वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराई जाए। 50% वीवीपैट पर्चियों की गिनती या मिलान की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज होने के बाद विपक्ष ने अपने मतगणना से पहले पर्चियों की मिलान की मांग की है। आयोग से मिलकर बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारी मोटी मोटी दो मांगे थी, एक वीवीपैट की पर्चियों का मिलान पहले किया जाए और फिर मतगणना की जाए, दूसरा अगर 5 मतदान केंद्रों के वीवीपैट पर्चियों की गिनतियों में गड़बड़ी पाई जाए तो पूरे विधानसभा क्षेत्र की पर्चियों की गिनती की जाए। आजाद ने कहा कि आयोग ने इस बारे में बुधवार को फिर से एक बैठक कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने कई जगहों पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम के कथित स्थानांतरण से जुड़ी खबरों की ओर से आयोग का ध्यान आकर्षित किया है। वहीं तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि जनादेश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। बसपा नेता दानिश अली ने कहा कि स्ट्रांग रूम को लेकर जो शिकायतें थीं वे हमने चुनाव आयोग के समक्ष रखी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन मनमानी कर रहा है क्योंकि भाजपा को पता है कि जनता का क्या फैसला दिया है, अब वे हेराफेरी करना चाहते हैं। चुनाव आयोग का रुख करने से पहले विपक्षी नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक की। विपक्षी नेताओं की बैठक में कांग्रेस के अहमद पटेल, अशोक गहलोत, गुलाम नबी आज़ाद और अभिषेक मनी सिंघवी, माकपा से सीताराम येचुरी, तृणमूल कांग्रेस से डेरेक ओब्रायन, तेदेपा से चंद्रबाबू नायडू, आप से अरविंद केजरीवाल, सपा से राम गोपाल यादव, बसपा से सतीश चंद्र मिश्रा एवं दानिश अली, द्रमुक से कनिमोई, राजद से मनोज झा, रांगपा से प्रकुफ पटेल एवं माजिद मेमन और कई अन्य पार्टियों के नेता शामिल हैं। विपक्ष की यह बैठक वैसे तो 21 मई को होनी थी लेकिन उस दिन अधिकतर दलों के नेताओं ने शामिल होने से असमर्थता जता दी। सूत्र बता रहे हैं कि 23 मई को चुनाव नतीजे किस तरह से होंगे। इसका इशारा एग्जिट पोल से मिलने के बाद विपक्ष के नेता एवं सियासी हालात पर चर्चा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जमा हुए थे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।